रावण का यहाँ पर दहन हो चुका है। काफी यहाँ पर हर्षोल्लास से सारी पब्लिक यहाँ पर खुश होती हुई, और ये आप देख रहे हैं नजारा गल्ला मंडी मुसाफिर खाना से। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको विजयदशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आपको हम मुसाफिर खाना में जो दशहरा मेला होता है वो दिखाएंगे, और जो राम रावण की लड़ाई होती है वो दिखाएंगे। दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अभी हम हैं रामलीला मैदान पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों काफी भीड़ है यहाँ पर। ये वो सामने ही दिख जाएगी दोस्तों, राम और लक्ष्मण की। तो ये राम लक्ष्मण की रथ यात्रा रामलीला मैदान पर जाकर समाप्त होती है। वहीं पर राम रावण का युद्ध होता है और सीता को पुनः प्राप्त करते हैं भगवान राम। देख सकते हैं यहाँ पर ये रथ यात्रा, जिसमें हनुमान जी आपको पहले दिख जाएंगे आगे ही, और ये रथ यात्रा दोस्तों देख सकते हैं काफी भव्य और सुंदर है। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट लाइक कर देना। तो ये दोस्तों देखा आपने भगवान राम और लक्ष्मण की रथ यात्रा, और इसी के जस्ट पीछे दिख जाएगा दोस्तों आपको ये रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ की रथ यात्रा। देख सकते हैं यहाँ पर आप इनकी भी रथ यात्रा आ रही है, और इन सभी महापुरुषों का यहाँ पर होगा युद्ध जो काफी भव्य होगा। ये रथ यात्रा दोस्तों आप देख रहे हैं रामलीला मैदान मुसाफिर खाना गल्ला मंडी से। ये रथ यात्रा थी दोस्तों, हम चलेंगे एक बार फिर रामलीला मैदान, और आपको वहां पर इस महासंग्राम के बारे में बताएंगे, और वहां पर दिखाएंगे कि युद्ध कैसे होता है यहां पर, जो पारंपरिक रूप से हर वर्ष गल्ला मंडी के रामलीला मैदान पर यहां पर होता है। तो ये चलते हैं हम यहाँ पर, काफी भीड़ है दोस्तों, भीड़ का सामना करते हुए हम चलेंगे आगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर राम जी यहाँ पर रामलीला मैदान पर पधार चुके हैं, और यहीं पर होगा दोस्तों राम रावण का महासंग्राम, जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुसाफिर खाना गल्ला मंडी में ये मनाया जा रहा है।
युद्ध के लिए लड़का रहा था और अब युद्ध के लिए तैयार ये महासंग्राम आप कुंभकर्ण और भगवान राम के बारे के साथ देख रहे हैं, जिसमें कि भगवान राम कुंभकर्ण के साथ युद्ध कर रहे हैं। Oh.
विभीषण के द्वारा बताए जाने पर कि मेरे भाई के नाभि में अमृत है और अंत में जब राम जान जाते हैं तब रावण का वध करते हैं, तो ये अंतिम सीन दर्शाया जाता हुआ दोस्तों। ये महामुकाबला आप देख रहे हैं मुसाफिर खाना रामलीला गल्ला मंडी से। लंका किसकी जलेगी आज, धर्म और पाप की लड़ाई। अधर्म पर धर्म की जीत का ये सबूत आप देख रहे हैं दोस्तों। रावण की यहाँ पर मृत्यु होती हुई, वो स्वर्गवासी होता हुआ रावण, और भगवान राम की जय जयकार होती हुई यहाँ पर। जय श्री राम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पर रावण की मृत्यु हो जाती है और राम की विजय प्राप्त होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं असत्य पर सत्य की जीत का ये त्योहार, ये दशहरा, जो कि रामलीला ग्राउंड से आप देख रहे हैं, रावण का यहाँ पर दहन हो चुका है। काफी यहाँ पर हर्षोल्लास से सारी पब्लिक यहाँ पर खुश होती हुई, और ये आप देख रहे हैं नजारा गल्ला मंडी मुसाफिर खाना से। ये त्योहार दोस्तों
अनीति पर नीति की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का ये प्रतीक रहा है दोस्तों दशहरा, जो कि हर साल इस ग्राउंड पर मनाया जाता है रामलीला ग्राउंड मुसाफिर खाना में। दोस्तों ये रावण दहन होता हुआ यहाँ पर, रावण दहन के बाद दोस्तों पब्लिक यहाँ पर काफी भीड़ है और यहाँ से जाते हुए आप यहाँ पर देखा ये सत्य की जीत हुई है, असत्य की हार हुई है यहाँ पर दोस्तों। ऐसे अब यहाँ सर भगवान राम माता सीता को लेने के लिए लंका में जाते हैं, तो ये वहीं का चित्रण यहाँ पर दर्शाया जा रहा है दोस्तों, अब उसी की तैयारी हो रही है। करने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण के साथ काफी लोग सेल्फी लेते हुए यहाँ पर, बजरंगबली और सुग्रीव जो सब हैं इनके साथ सेल्फी लेने का ये यहाँ पर सिलसिला अब चालू हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान राम माता सीता को लंका से लेके जाते हैं, वो यहाँ पर चित्रण आप देख सकते हैं ये कितना भव्य ये चित्रण यहाँ पर देख रहे हैं। भगवान राम रावण का वध करने के बाद माता सीता को जब वापस लेकर अयोध्या लौट रहे हैं 14 वर्ष का पूरा वनवास करते हुए खत्म करके, तो ये आप उसका लाइव चित्रण देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर तो हमें काफी खुशी महसूस हो रही है, शायद आपको भी ये वीडियो देखने के बाद आपको खुशी महसूस हो रही होगी। तो दोस्तों एक बार जरूर हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।